तो ये बेसिकली अभी कंटिन्यूएशन ही रहेगा। जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने एक क्वेश्चन डिराइव की थी, और आप उतना ही करें तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप ऐसा मत सोचिए जी वो आधा रह गया था, लेकिन उसको एक और फॉर्म में बदलना है। नॉर्मली ये नहीं आता कि इस फॉर्म में लिखिए, नॉर्मली ये आता है कि हेलमोल्ट्ज़ इक्वेशन डिराइव कीजिए। तो आप डिराइव तो वो भी कर ले जो पिछला किया था। जैसे पिछली इक्वेशन जो थी वो डी बाई डी टी ऑफ एक्सआई बाई रो ऐसा कुछ था, इक्वल टू बताओ यार राइट साइड एक्साई क्या। अपॉन रो, एक्साई अपॉन रो, एक्सआई अपॉन रो डेल यू अपॉन डेल एक्स, रेट्स, ईटा अपॉन रो, अरे एटा अपॉन रो, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस प्लस जीटा अपॉन रो, डेल यू अपॉन डेल जेड। चलो इसी रो लेते चलते हैं, बस एट को सॉल्व करते हैं। हमेशा वो एट ही होनी है, बाकी तो सिमिलर वे में होना है। हम चाह रहे थे कि इसमें बदलाव करें, ये जो है ये पसंद नहीं आ रहा है हमको। ये सब एक्सट्रा स्पेड में होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा हेलमोज ने सोचा होगा। और थोड़ा बता दूं कि ये जो ओरिजिनली क्वेश्चन डिराइव हुई थी वो स्टोक्स और हेलमोज का काम था, लेकिन क्रेडिट मेन जो है वो हेलमोज को जाता है, LTZ। स्टोक्स थ्योरम और ये सब आपने पढ़े भी होंगे, ये सब बड़े नाम हैं। और बाद में इन लोगों ने जब डिराइव किया था बेटा तो रो को कांस्टेंट लिया था। अब रो कांस्टेंट होने पे ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर रो कांस्टेंट ही है तो बाहर आके कैंसिल हो जाना है। रो को वेरिएबल लेके जैसे हम कर रहे हैं, फिर वैसा नेंसन ने किया था बाद में। ये सब मैथमेटिशियन से हैं तो आप केवल ऊपर वाले दो नाम भी याद रखें, बहुत है। नहीं भी रखे तो भी काफी है, लोग नहीं पूछते। ये एक अपना इंटरेस्ट है मेरा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि किया किसने ऐसा काम। हम केवल समझने में हमें लगता है कि ये बड़ा टफ काम है यार, तो जिसने ओरिजिनली किया होगा आप उसके बारे में सोचिए। जेड सीटा डेल यू अपॉन डेल जेड। हम चाह रहे थे पहली इक्वेशन में नीचे सब में एक्स ही आ जाता तो बढ़िया लगता। चलिए ठीक है, तो फिर हम एक्स ही ले आते हैं। तो हम क्या करते हैं, ईटा अपॉन रो कॉमन ले लीजिए। आपके पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो फिर इतना ही ऐड भी करना पड़ेगा भाई, डेल वी ये हो गया। ऐसे ही जो नेक्स्ट हमारे टर्म है बच्चों वो जीटा अपॉन रो है, और उसमें डेल यू अपॉन डेल जेड है आपके पास। तो इसमें मैं जेड और यू से ही पता लग रहा है कि अगला डब्ल्यू वाला होना चाहिए और एक्सटेयर स्पीड में होना चाहिए। आपस में खुद रटने जैसा कुछ है ही नहीं, और उतना ही ऐड भी कर लीजिए। तो मैंने ये देखा कि ये जो पहली टर्म थी डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मतलब यू और वाई, तो फिर वी और एक्स होने चाहिए क्रॉस में। तो आप मुझे बताइए प्लीज, ये आपके पास ईटा अपॉन रो है, ये शुरू से दो ब्रैकेट क्या बता रहे हैं, -2 जीटा, -2 जीटा, वेरी गुड, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही जीटा अपॉन रो, तो ये क्या बता रहा है, बीटा ईटा प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो देखिए प्लीज, ये और ये आपस में कैंसिल हो रही है टर्म्स, तो आपके पास यही लिख देता हूं। तो आपके पास बचेगा ईटा अपॉन रो डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जीटा अपॉन रो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो अगर आप 5 में रख रहे हैं तो आपकी इक्वेशन बन जा रही है ट्रिपल
कैपिटल डी बाई डी टी ऑफ इट्जाई बाई रो इक्वल टू इट्जाई बाई रो अभी भी है, ईटा बाई रो भी है और जीटा बाई रो भी है, लेकिन इस बार क्या आ रहा है देखो, पहले टर्म में तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, दूसरे में डेल वी अपॉन डेल एक्स और तीसरे में डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ये तो फिर इस आधार पर तो सिमिलरली अगर जो बाकी दो हों वो क्या आने चाहिए, डी बाई डी टी ऑफ अगला ईटा अपॉन रो क्या बनेगा? यू के बदले वी हो जाए। हाँ इट्जाई अपॉन रो प्लस ईटा अपॉन रो प्लस जीटा अपॉन रो तो आ ही रहे हैं। अब आप सिमिलर देखो, वहां यू वी डब्ल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में थे तो यहाँ यू वी डब्ल्यू वाई के रिस्पेक्ट में आएंगे, तो ये दूसरी क्वेश्चन हो गई। ऐसे ही एक और लिख लीजिए, डी बाई डी टी जीटा अपॉन रो, ये केवल मैथमेटिकल वर्क है बच्चों, जे अपॉन रो प्लस ईटा अपॉन रो प्लस जीटा अपॉन रो, तो यहाँ यू वी डब्ल्यू जेड के रिस्पेक्ट में होंगे पार्शियली, डेल यू अपॉन डेल जेड डेल वी अपॉन डेल जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। हम ऐसा भी कर सकते हैं इस पूरे को सेट से मान लें, झंझट खत्म। अब मेन लास्ट में एक पॉइंट रह जाता है, ये तो ठीक है मैथमेटिकल तो हो गया। अच्छा आखिर हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन आपको बताती क्या है, क्या पता लगता है? तो आप चाहे इक्वेशन 5 वाला फॉर्मेट लें या इक्वेशन 6 वाला, अगर मोशन इरोटेशनल है तो इट्जाई ईटा जीटा भी 0 होंगे, और ये आपको बताते हैं ये इक्वेशन जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में, कि अगर एक बार डेरिवेटिव 0 होगा तो आगे भी डेरिवेटिव लेफ्ट साइड वाला 0 होता जाएगा, मतलब अगर एक बार मोशन इरोटेशनल है तो फिर वो आगे भी मोशन इरोटेशनल ही होगा, वो टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बेसिकली परमानेंस ऑफ इरोटेशनल मोशन बताता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, परमानेंस ऑफ इरोटेशनल मोशन, परमानेंट शब्द से ही बना है परमानेंट, एंड ई होगा ना ऑफ इरोटेशनल मोशन। तो अगर आप सिचुएशन ना बदलें, फिजिकल सिचुएशन जो चल रहा है चलने दें, तो अगर एक बार अगर कहीं पर इट्जाई ईटा जीटा 0 आ गए तो आगे को भी वो 0 ही रहेंगे, तो ये इरोटेशनल मोशन जो है आगे कंटिन्यू बना रहेगा, रोटेशन नहीं होगा कहीं, ये बताने के लिए है। उम्मीद है मैं समझा पाया हूंगा आप लोगों को सारी चीज, ठीक है? तो एक इस पर अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, मैं फ्लूड पे इस पे हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पे डायरेक्टली नहीं है, मैं वैसा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ जो इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल भी कराने हैं तो वहां से उठा के। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए प्लीज आप लोग, क्वेश्चन क्या है, स्टीम इज रसिंग, स्टीम किसी बॉयलर से निकल रही है और उसके बाद एक कोनिकल पाइप के थ्रू बाहर जा रही होगी या कहीं मशीनों में फैक्ट्रियों में, बॉयलर का मतलब ही है जो यहाँ से बॉयल हो रहा तभी स्टीम बनेगी, तो क्रोनिकल पाइप है तो क्रोनिकल पाइप से निकल रही है। अब क्रोनिकल पाइप हम ऐसा भी बना सकते हैं और इसका उल्टा ऐसा भी बना सकते हैं, कोन हो रहा तो क्रॉस सेक्शन कम ज्यादा होंगे, और ये बता रखा है कि जो डायमीटर है पाइप के एक तरफ कैपिटल डी एक तरफ स्मॉल डी, वैसे ही वेलोसिटी जहां पर कैपिटल डी है वहीं पर स्मॉल कैपिटल वी वेलोसिटी है, जहां डायमीटर स्मॉल डी है वहां वेलोसिटी स्मॉल वी है, और इफ द मोशन बी सपोज टू बी दैट ऑफ डाइवर्जेंस तो फिर हम ये वाला टोन लेंगे, डाइवर्स करने का मतलब समझिए प्लीज, मोशन डाइवर्स करेगा तो मतलब पहले पाइप कम चौड़ा होगा बाद में ज्यादा होगा,
डाइवर्स करने का यही मतलब होता है, समझ में आया? तो हम ये सर। वाला, हाँ हेलो, अरे समझ पा रहे हो भाई? चलो यस सर तो फिर हम ऐसा पाइप बना लेते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा, ये हमारा स्ट्रक्चर है, पाइप है, इसका जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है और वेलोसिटी वी, यहाँ पर जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है और वेलोसिटी भी स्मॉल वी है। डेंसिटी वेरी करेगी फिर यहाँ पर, क्योंकि देखिए जितना यहाँ से आ रहा होगा उतना ही जाएगा भी, ये तो श्योर है, क्योंकि अगर ज्यादा आ रहा है कम जा रहा है तो बाकी कहाँ स्टोर हो रहा है ये तो बताया नहीं है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो पहले पाइप कम चौड़ा है, बाद में ज्यादा चौड़ा है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी बदलेगी। तो सपोज यहाँ डेंसिटी रो नॉट और यहाँ रो लिख लो, K क्या लिखा हुआ है? प्रेशर अपॉन डेंसिटी, और ये कॉन्स्टेंट ये लिखा हुआ लास्ट लाइन जो है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर यहां पर, प्रेशर को पी नॉट मान लें, ऐसा लिखा तो नहीं है ना कहीं, प्रेशर स्मॉल पी नॉट, तो यहाँ प्रेशर स्मॉल पी। तो अब बताइए प्लीज, पहले वाले एंड पे प्रेशर होगा पी नॉट और डेंसिटी हुई रो नॉट, ये भी कांस्टेंट है, दूसरे पे प्रेशर पी और डेंसिटी रो, तो ठीक है ऐसे रहने। तो जहां पर पी की वैल्यू रखनी है के इंटू रो रख देंगे, पी नॉट रखना होगा तो ये रख ली, तो प्रेशर डेंसिटी वो सब बाकी चीजें लिखी हैं। जितना मास यहां से एंटर करेगा उतना ही पर सेकेंड निकलेगा, केवल क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है बस, तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो या फिर आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यही है। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो 1 सेकेंड में आने वाला फ्लूड यहां से कितना होगा आप सोचो, एरिया कितना हुआ पाई, अरे क्रॉस सेक्शन का एरिया, अरे भाई ऐसा होगा नहीं, पाई आर स्क्वायर, यस सर। डायमीटर दे रखा तो पाई डी बाई टू स्क्वायर। 8 सेकेंड में हमेशा जितनी वेलोसिटी है कोई भी चीज उतना चलता है, तो वेलोसिटी उतना आया मतलब जितनी वेलोसिटी होगी उतना फ्लूड पार्टिकल यहाँ पर जो पीछे होगा वो भी वेलोसिटी है, तो ठीक वो भी डेट पे पहुंच जाएगा जितनी वेलोसिटी है, समझो। तो हमने इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू डेंसिटी, तो मास हो गया। अब ऐसा ही उधर भी सोचो, पाई कैपिटल डी बाई टू स्क्वायर, वेलोसिटी वहां कैपिटल भी, डेंसिटी रो, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो बार बार कहता आ रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो भाई बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 1/4 भी दोनों साइड कैंसिल और पाई कैंसिल, बाकी तो कुछ होना नहीं है, तो स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी आपके पास आ जाएगा, राइट साइड डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर इंटू रो अपॉन रो नॉट, आप इसे इक्वेशन वन मान लीजिए, ठीक है। अभी तो हमने जो चैप्टर वन में पढ़ी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो लगाई, अब हम बर्नौली वाली जो इक्वेशन है बर्नौली की उसका यूज करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। बर्नौली की इक्वेशन याद है किसी को? बर्नौली इक्वेशन ऑफ मोशन, मैंने ऑयलर के बाद बर्नौली कराया था शायद, यस सर।
डी पी अपॉन रो माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी प्लस हाफ क्यू स्क्वायर। हाँ मोशन एक्सटर्नल फोर्स की कोई बात नहीं हुई है बच्चों सवाल में। मोशन इज विदाउट कंसिडरिंग, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया ही नहीं है तो कहाँ से लें, बल्कि मोशन स्टडी भी नहीं बोला है तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स है नहीं तो इतना ही होगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट होगा ना, यही था। और जब कुछ रहा ही नहीं है तो आप मोशन को स्टेडी मान लीजिए, मोशन इज स्टेडी, उससे कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी, डेल फाई बाई डेल टी, तो आप आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/ρ डी ऑफ पी कितना था बेटा, अभी देखो के इक्वल टू क्या लिखा था हमने, प्रेशर अपॉन, तो रो अपॉन नहीं पी अपॉन, पी अपॉन रो और पी नॉट अपॉन रो नॉट था ना, तो पी डी पी क्या लिख सकता यस सर, हूँ, डी ऑफ पी टी जो के टाइम्स रो, के कॉन्स्टेंट है ये भी लिखा हुआ था, प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट को सी लिख लो, चलो कितना हो जाएगा ये, हेलो प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज के लॉग रो प्लस हाफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट, सी फॉर कॉन्स्टेंट। तो बेटा शुरुआत वाले एंड पे लगाइए इस इक्वेशन को, जब ये कॉन्स्टेंट है तो के, जहां पर रो रो नॉट है और वहां वेलोसिटी कितनी है स्मॉल वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है तो बाद में भी इतना ही रहेगा, दूसरे एंड पे के लॉग ऑफ रो प्लस हाफ कैपिटल वी स्क्वायर। तो के कॉमन लॉग ऑफ रो माइनस लॉग ऑफ रो नॉट कितना हो जाएगा, हाफ स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर, तो लॉग ऑफ रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर माइनस, अच्छा के नीचे चले जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 के, तो जहां पर रो अपॉन रो नॉट लिखना है वो हो जाएगा ई टू द पावर स्मॉल वी स्क्वायर माइनस कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन 2 के, ये आ गया रो अपॉन रो नॉट इक्वेशन नंबर 2। पिछले पेज में प्लीज आप यहां पर आंसर में ये नहीं है, देखिए 1 में रो अपॉन रो नॉट की वैल्यू रख दीजिए, देखिए प्रूफ हो गया, इसको 1 में रखिए और सीधे सीधे डेरिवेशन। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को, यस सर, क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा सोचना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली जो इक्वेशन ऑफ मोशन वाला चैप्टर है इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो टाइम टेकिंग है, थोड़े काफी बड़े डेरिवेशन आते हैं इसीलिए कुछ सालों में इसके क्वेश्चंस कम होने लग रहे हैं। मैंने तो ये सारा पढ़ा पूरा डिटेल में, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, और फिर धीरे धीरे मजा आ जाता था, मुझे अच्छा लगता था, मेरी मैथ्स की समझ भी सुधरी कई चीजों में फिजिक्स के साथ, आजकल लोग ज्यादा पूछते नहीं है तो हम भी अब कम पढ़ाने लग गए हैं, कई बार अप्लाइड मैथ्स को लोग लापरवाही से ले रहे हैं, वैसे प्योर मैथ्स को कौन सा सिंसियरली पढ़ ही रहा है कोई, बहुत कम लोग होंगे जो चीजों को अच्छी तरह समझ रहे हैं जैसे समझना चाहिए, प्रयास यही करिए आप लोग भी, आज इसमें इतना ही करेंगे बच्चों,
नेक्स्ट जो आर्टिकल है क्रॉसी, वो काफी लेंदी है, टाइम लेगा वो भी, क्रॉसी इक्वेशंस। और क्रॉसी फ्रेंच मैथमेटिशियन रहे और लैग्रेंज भी फ्रेंच ही थे, तो क्रॉसी ने ऑयलर अप्रोच नहीं अपनाई। ऑयलर वाला जो ये था, ये ऑयलर स्विस थे, स्विट्जरलैंड के। क्रॉसी ने वहां भी काम किया है, लेकिन जो ट्रल वाला जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल होगा उसमें उन्होंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लैग्रेंजियन अप्रोच से काम किया और उसको मैथमेटिकली क्रॉसी ने आगे बढ़ाया। क्रॉसी आप ये देखिए, उस दौर में वो लोग हैं जो प्योर में भी काम कर रहे हैं और अप्लाइड में भी काम कर रहे हैं। ऑयलर भी वही है और लैग्रेंज भी वही है। ये सब लोग मैथ्स इतना अच्छा जानते और समझते होंगे, आप जब प्योर एनालिसिस पढ़ते हैं तो क्रॉसी हर जगह है। आप सीक्वेंस पढ़िए, क्रॉसी है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्रॉसी भरा पड़ा है। क्रॉसी रीमैन इक्वेशन, क्रॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला, क्रॉसी रेसिड्यू थ्योरम, क्रॉसी इनइक्वालिटी, कई वेरिएशन है क्रॉसी के, क्रॉसी मीन वैल्यू थ्योरम रियल एनालिसिस में। तो आप महसूस करेंगे कि जिसकी एक जगह समझ बेहतर हो वो बाकी जगह भी अच्छा काम करेगा। मैंने यही सीखा है और यही देखा भी है अपने अनुभव से कि आप 50% डिसिप्लिन नहीं हो सकते, या तो आप 100% डिसिप्लिन इंसान होंगे या अराजक होंगे। आधा अधूरा डिसिप्लिन का कोई मीनिंग बनता नहीं है वैसे, तो या तो अनुशासन है तो है, फिर पूरा ही होगा। तो कोशिश करिए कि जो समय है उसमें चीजों को सीखें, एंजॉय किया जाए। और इतना भी अगर आप करते हैं बच्चों, मैं फिर आपको एश्योर करता हूँ, एग्जाम में नंबर तो आ ही जाएंगे अच्छे, वो कोई मुद्दा नहीं है, और लेकिन आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर इससे आगे मैं बढ़ाता हूँ। कुछ कहना है तो बोलिए किसी को।